हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 7, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने आपकी पिछली क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है और कैसे हम उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वो भी सीखा है। इस चैप्टर में हम फिर से उन्हीं कॉन्सेप्ट को रिव्यू करेंगे और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे। सो पहले हम इस चैप्टर के बारे में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। इन टर्म्स के बारे में आपने पहले भी आपकी पिछली क्लासेस में सुना है। कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट ऐसे कोई वैल्यू, ऐसा कोई नंबर जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है वो कहलाता है कांस्टेंट। जैसे इसके अगर अपन एग्जांपल देखें तो 2, 1/2, 4/3, -2, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल वो सिंबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन ए ले लेते हैं, बी, एक्स, वाई या कोई भी और दूसरा अल्फ़ाबेट हम ले सकते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। पिछली क्लास में आपने ये चीज़ सीखी भी है कि इनकी वैल्यूज़ को हम कैसे पुटअप करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। फिर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। जैसे पहला टाइप होता है मोनोमियल, फिर है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल या पॉलीनोमियल। तो ये जो है इनके अंदर कितनी टर्म्स होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारी कितनी टर्म्स है उसके बेसिस पे हम उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। मोनो जैसे नाम से पता चल रहा है, मोनो मतलब होता है वन। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं 3x या फिर -2xy, इसके अंदर क्या है, एक ही टर्म है, ये पूरी एक टर्म है तो वो कहलाएगा मोनोमियल। अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है तो वो कहलाएगा बाइनोमियल। बाई मतलब होता है टू। जैसे हम देखते हैं x+5, यहाँ पे दो टर्म्स हो गई, पहली टर्म है x और दूसरी टर्म है 5, तो ये हो गई बाइनोमियल। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, x+1/2, यहाँ पे एक टर्म हो गई x और दूसरी हो गई 1/2, तो ये हो गया बाइनोमियल। फिर हम देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म्स होती है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2x-3y+5, तो यहाँ पे तीन टर्म्स है, पहली टर्म है 2x, सेकंड है -3y और थर्ड टर्म है 5, तो यहाँ पे तीन टर्म है इसीलिए ये हुआ ट्राइनोमियल। फिर जो क्वाड्रीनोमियल होता है, क्वाड्री मत मीन्स फोर, इसके अंदर फोर टर्म्स होती है, जैसे x+y+z-4, तो यहाँ पे फोर टर्म्स है, फर्स्ट टर्म होगी एक्स, सेकेंड टर्म वाई, थर्ड टर्म जेड एंड फोर्थ टर्म इज़ -4, तो यहाँ पे फोर टर्म हो गई तो वो कहलाएगा क्वाड्रीनोमियल। फिर लास्ट है पॉलीनोमियल्स। ऐसी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म हो वो क्या कहलाएगी, पॉलीनोमियल, टू और मोर देन टू। टू और मोर देन टू वाली जो भी टर्म्स होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वो कहलाएगी पॉलीनोमियल। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है, टू होती है, ट्राइनोमियल्स में 3 एंड क्वाड्रीनोमियल में 4, तो ये जो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल है इनको हम पॉलीनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दो और दो से ज़्यादा टर्म्स है। मोनोमियल को हम पॉलीनोमियल नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कोई भी टर्म होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तो वो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनी हुई होती है। जब हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट लेते हैं, इट मींस इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बनेगी वो क्या कहलाती है, उसका फैक्टर।
फैक्टर क्या होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आएगी हमारे पास वो होगी उसका फैक्टर। नेक्स्ट होता है कोएफिशिएंट। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो पिछली क्लास में आपने पढ़ी है, आपको याद होनी चाहिए। हर जो फैक्टर होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो बाकी सारे जो टर्म्स है उसका कोएफिशिएंट होता है। तो जो नंबर या फिर कांस्टेंट होगा उस टर्म के अंदर वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। मतलब जैसे अगर एग्जांपल ले लें अपन 9y+7, तो इसके अंदर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो हो जाएगी 7 और कोएफिशिएंट कौन सा हो जाएगा जो इस वेरिएबल के आगे है, वेरिएबल के आगे क्या है 9, तो ये क्या हो गया इसका कोएफिशिएंट हो गया। तो आगे जो ऐसे नंबर लिखा हुआ होगा वो होगा कोएफिशिएंट। तो अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं पिछली क्लास के वो हमने रिकॉल कर लिए हैं, तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई द मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड क्वाड्रीनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें यहाँ कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रीनोमियल है। तो हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे और बताएंगे कि वो कौन सा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है 3x-4y+2। यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करोगे तो पहली टर्म हो गई 3x, सेकंड टर्म है -4y एंड थर्ड टर्म इज 2। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, इट मींस ये हो गया ट्राइनोमियल। 3 टर्म है इसलिए ट्राइनोमियल। सेकंड देखो, -3a² + 4b² + 6z² - 3abz। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं इसकी 1, 2, 3 एंड 4। कितनी टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रीनोमियल। तो यहाँ हम लिख लेंगे क्वाड्रीनोमियल। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ही टर्म गिवन है -11ab, ये पूरी एक ही टर्म है, इसके अंदर कोएफिशिएंट है इसका -11 और वेरिएबल है ए बी, तो ये एक ही टर्म हुई मिलकर, तो ये हो जाएगी मोनोमियल। नेक्स्ट, x³-3a² + 7a, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। यहाँ पे फिफ्थ में देखो, एक टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये हो गई, तो 2 टर्म जहाँ होती है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। सिक्स्थ पार्ट, a³+b³+c³+3abc। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, ये हो गई 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 4 वाली टर्म को हम बोलते हैं क्वाड्रीनोमियल। नेक्स्ट, -5/6x² + 7/9xy², तो पहली टर्म क्या हो जाएगी, ये उसके बाद प्लस का निशान है और फिर ये लिखा हुआ है, तो ये 1 टर्म हो गई, ये 2 टर्म हो गई, तो 2 टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल। फिर लास्ट क्वेश्चन और लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -5/2a³b³, ये पूरा एक ही है, इसके बीच में कोई आगे हमें प्लस माइनस का साइन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये पूरी एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मोनोमियल। सो इसी तरह से नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करके हम बता सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या क्वाड्रीनोमियल है। सो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म होती क्या है। लाइक टर्म्स वो टर्म्स हैं जिसके लिटरल फैक्टर एक जैसे होते हैं। अब लिटरल फैक्टर, जैसे अपन कोई भी देखते हैं टर्म, एल्जेब्रिक टर्म देखते हैं, तो उसके अंदर नंबर वाला नंबर जो है कॉन्स्टेंट उसको हटा के जो पीछे टर्म जो बच जाती है, वेरिएबल वाली जो अल्फ़ाबेट बच जाते हैं, अगर वो सेम फॉर्म में होते हैं तो वो कहलाते हैं लाइक टर्म्स।
जैसे कि एग्जाम्पल करते हैं, ये फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं जिससे आपको और ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी कि लाइक और अनलाइक टर्म्स है क्या। जैसे सबसे पहला अगर देखोगे इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2ab इसमें है -5a² b, ये है -3ba और ये है 6ab². अब हम इनके लाइक टर्म्स देखने के लिए ये जो इनके कोएफिशिएंट है उनको नहीं देखते हैं, पीछे की जो हमें अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पर है ab, इसके अंदर है a²b। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे a² है, इसका मतलब ये दोनों लाइक नहीं है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये है ba और ये है ab, तो ab और ba बात तो एक ही है, b को a से मल्टीप्लाई करो या a को b से मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों तो हो गई लाइक टर्म्स। फिर ये देखो ये है ab² अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको b² कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इन तीनों टर्म्स में कहीं पर भी b² नहीं है, तो यहाँ पर जो लाइक टर्म होगी वो होगी सिर्फ 2ab और दूसरी होगी -3ba, ये दोनों टर्म्स हो गई लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, यहाँ पर भी ab है और ये ba है, बाकी सब में अलग अलग है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सबसे पहला हमें गिवन है 5x², तो अब हम बाकी टर्म्स में भी चेक कर लेते हैं कोई x² वाली टर्म है क्या। यहाँ पे y है तो ये नहीं होगी लाइक टर्म, z² भी नहीं होगी, यहाँ पर y है तो ये भी नहीं होगी, x² इस वाली टर्म में हमें x² मिल रहा है, तो मतलब ये 5x² और 3x² क्या हो गई लाइक टर्म्स, 5x² 3x² ये हो गई एक लाइक टर्म। फिर अपन यहाँ पर और देख लेते हैं क्या दूसरी भी कोई टर्म है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7y, ऐसी y वाली कोई और टर्म है, यहाँ पे z² है ये नहीं होगी, ये जो है वो y में गिवन है इसलिए ये लाइक टर्म हो जाएगी, 7y और 4y ये हो गई लाइक टर्म। फिर और हो तो भी देख लेते हैं, यहाँ पर हमें गिवन है -6z², मतलब z² वाली और कोई टर्म होगी तो वो भी लाइक टर्म है, तो यहाँ पर भी हमें z² गिवन है, तो -6z² और 9z² ये भी लाइक टर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें तीन लाइक टर्म्स मिली है अलग अलग, एक x² की वाली है, दूसरी y वाली है और तीसरी z² वाली है। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, इसका ये है x² वाली और टर्म इनमें से कौन सी है, इस ये नहीं है, ये वाली फिर से x² है, इसका मतलब x² और 4x² ये होगी एक लाइक टर्म, और दूसरी ये है -3y² और यहाँ पर भी क्या है y² है, तो ये दोनों भी हो जाएगी लाइक टर्म, तो इसको भी हम लिख लेंगे -3y² 5y², यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स है हमारे पास। फोर्थ पार्ट, इसके अंदर हमें गिवन है -7a² b, -10ba² -4ab² एंड 2ba², तो यहाँ पर अगर इसका कोएफिशिएंट हटा के इसका वेरिएबल देखेंगे तो वो क्या है a² b, तो यहाँ पर a² b इसमें भी आ रहा है, a का स्क्वायर है और b है यहाँ पर भी, और यहाँ पर a² नहीं है, इस वाले में फिर से a² b है, तो मतलब ये तीनों हो जाएगी लाइक टर्म्स, लिख लेंगे इसको -7a² b, दूसरी हो जाएगी -10ba² और थर्ड हो जाएगी 2ba². हमने इस टर्म को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इसके अंदर a का स्क्वायर नहीं है, b का स्क्वायर है, जबकि हमारी बाकी जो टर्म्स है वो किस फॉर्म में है a² b के फॉर्म में, इसीलिए ये तीनों लाइक टर्म है और ये अनलाइक है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐड, हमें यहाँ कुछ टर्म्स गिवन है, हमें इनको ऐड करना है, ये आपने आपकी पिछली क्लास में भी सिखा है, तो इसको ऐड करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको इक्वेशन फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 4ab प्लस -7ab प्लस -10ab प्लस 3ab, तो हमने इसको एडिशन के साइन लगा के लिख लिया सबको। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके साइन बैलेंस कर देते हैं, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 4ab, फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा 7ab, अगेन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10ab, और फिर ये प्लस 3ab,
अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे और अनलाइक को एक तरफ कर लेंगे। जैसे हमारे पास ए बी ए बी वाली ये टर्म है, तो इनका नंबर एक साथ लिख लेते हैं, और तो यहाँ पे क्या है, 4AB, 7AB और 10AB, माइनस वाली दो टर्म्स है हमारे पास। तो अगर माइनस वाली दो टर्म्स है, माइनस 10 और माइनस 7AB, माइनस वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। प्लस वाली टर्म हमारे पास क्या क्या है, 4AB और 3AB, तो इसके हम कोएफिशिएंट जो है उनको एक साथ लिख लेंगे, 4 + 3AB। और दूसरा जो माइनस वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी, बीच में साइन हम प्लस का लगाएंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। माइनस वाली टर्म है हमारे पास -7AB और -10AB, तो हम कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, -7 -10, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, AB बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 4 + 3 कितना होता है, 7, ये हो जाएगा 7AB प्लस, यहाँ पे ये माइनस प्लस, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17, तो ये जगह -17AB। अब हम ये जो -17AB है, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो इसको लिख लेंगे हम 7AB माइनस 17AB। अब 7AB और 17AB एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 17 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 10AB। देखो, और यहाँ पर क्योंकि बड़ा नंबर किसका है, 17 बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है, माइनस है, तो हमारा आंसर का जो साइन होगा वो भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -10AB। इसकी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं अब। सेकंड पार्ट, x + y + 2 एंड x - y - 1। तो पहले इसको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये जाएगा x + y + 2, ब्रैकेट बना दो इसके ऊपर, प्लस x - y - 1। ये हमारी दोनों टर्म्स हैं जिनको हमें ऐड करना है। तो अब हम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे x हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या है, x, तो पहली टर्म हो जाएगी x + x, फिर सेकंड टर्म हमारी क्या है, y, इधर y क्या है, -y, तो ये हो गई y - y। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1। हमने इनको लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग असेंबल कर दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + x कितना होता है, x + x हो जाएगा 2x, फिर यहाँ पर है y - y तो 0 होता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर हमें नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, तो ये है 2 - 1, 2 - 1 कितना होगा, 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन है, तो +1, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2x + 1। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 9p² + p + 1 एंड -3p² + 4p + 7। तो इसको लिख लो पहले एडिशन के फॉर्म में, 9p² + p + 1, इसके अंदर प्लस हो जाएगा, -3p² - 4p + 7, ये कर लिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ है 9p², 9p² के बाद यहाँ क्या है, -3p², तो इनको साथ में लिख लेंगे, ये हो जाएगा 9p² - 3p², ये हो गई हमारी पहली टर्म, फिर लिखो प्लस, सेकंड टर्म हमारी क्या है, p, और इधर क्या गिवन है हमें, -4p, तो ये हो जाएगा -4p। थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, 1, और यहाँ पर क्या गिवन है, 7, तो ये हो जाएगा 1 + 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9p² में से अगर 3p² माइनस हो जाए तो कितना बचेगा, 9 - 3 कितना होता है, 6, तो ये बच जाएगा 6p², फिर बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं, p - 4p, एक प्लस में है एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 1, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है तो साइन भी हम यहाँ पर माइनस का लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -3p,
फिर प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर इस वाले साइन के लिए। फिर 1 + 7 कितना होता है 8। अब इसके साइन बैलेंस करके लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6p² प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -3p फिर +8। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ इजी लगेगी और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका, फोर्थ पार्ट। ये हो जाएगा x + 7z - 3y + 10y + 18x - 11z। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं। इधर है x और इस वाली टर्म में x क्या गिवन है हमें 18x, तो यह जगह 8 + 18x, तो बीच में प्लस का साइन। सेकंड टर्म हमें क्या गिवन है 7z और यहाँ पर z में हमें क्या गिवन है -11z, तो यह जगह 7z - 11z। फिर प्लस यहाँ पर हमें थर्ड टर्म क्या गिवन है -3y और इधर y में कितना गिवन है 10y, तो ये हो जाएगा +10y। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 18x में एक x और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने x हो जाएंगे 19x। फिर आगे देखो, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। 7z - 11z, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 11 - 7 हम करेंगे तो कितना आएगा 4, क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है 11 बड़ा नंबर है 7 और 11 में से, इसका साइन माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा माइनस, तो ये हो जाएगा -4z देन प्लस। फिर ये -3y + 10y, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7y। अब इसको लिख लेते हैं साइन बैलेंस करके, ये हो जाएगा 19x, फिर प्लस माइनस क्या होगा -4z + 7y, ये है इसका आंसर। इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है वो आप सेल्फ सॉल्व करोगे, इट्स योर होमवर्क। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 1/2x² - 4/3y² + 2xy, ये है पहला। सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा 3/2y² + 1/4x² और थर्ड है 9x² - 5y² + 3xy। तो सबसे पहले तो इसको एडिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2x² - 4/3y² + 2xy, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर प्लस सेकंड टर्म लिखेंगे 3/2y² - 1/2x², ये हो गई सेकंड टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा। थर्ड है 9x² - 5y² + 3xy, ये हो गया हमारा थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको लाइक टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो लाइक टर्म्स को जब एक तरफ लेंगे तो हमारे पास सबसे पहली टर्म क्या है x² की, तो तीनों टर्म्स का x² हम एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहला 1/2x², यहाँ पर x² क्या है -1/4x² और थर्ड वाले में x² क्या है 9x², तो ये हो जाएगा +9x², ये हमने x वाली टर्म एक साथ ले ली। फिर बीच में प्लस, फिर y वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, तो इसके अंदर y हमें गिवन है -4/3y², फिर इसके अंदर गिवन है 3/2y² और यहाँ पर हमें गिवन है -5y², तीनों की y टर्म हमने एक साथ लिख ली। देन प्लस, फिर z वाली टर्म अगर हम देखेंगे तो z वाली टर्म में हमें यहाँ पर गिवन है सबसे पहला z, सॉरी हमें गिवन नहीं है, हमें 2xy की फॉर्म में गिवन है, तो ये हो जाएगा 2xy, यहाँ पर हमें xy की टर्म गिवन ही नहीं है। थर्ड वाले के अंदर हमें गिवन है 3xy, तो हमने क्या किया है इस पूरे को लाइक टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि फ्रैक्शन में गिवन है तो हम जैसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इनके अगर देखोगे
तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में क्या गिवन है, 1/2, सेकंड है -1/4 और थर्ड है +9। तीनों के कोएफिशिएंट यही है, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। अब आपको पता है कि हम फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका 4 ही आएगा। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा लिख देंगे 4, 2 की टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम्स, तो 2 × 1 हो जाएगा 2। फिर लगाएंगे माइनस का साइन, 4 की टेबल में 4 वन टाइम आता है तो 1 × 1 1 होगा। फिर प्लस, यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1, तो 4 की टेबल में 1, सॉरी 1 की टेबल में 4 4 टाइम्स आता है, 4 × 9 करेंगे तो क्या आएगा, 36। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस के नंबर हमारे पास क्या है, 36 और 2, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। फिर 38 में से हमें -1 करना है, 38 - 1 करेंगे तो आएगा 37 और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। इसका मतलब हम जब ये वाली जो हमारी टर्म है x वाली, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 37/4x². ठीक है, इनके जो कोएफिशिएंट है उनको हम लेकर जो जैसे हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे कर देंगे। अब इसका हम y वाला टर्म देखते हैं। देखो y वाले टर्म के अंदर हमें क्या गिवन है, -4/3 +3/2 -5, यही गिवन है हमें, -4/3 +3/2 -5। अब इसको भी जैसे हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन को वैसे ही कर लेंगे, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, तो डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 6। 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, फिर 2 × -4 जब करेंगे तो 2 × -4 होगा -8, देन प्लस 2 की टेबल में 6 3 टाइम आता है, 3 × 3 हो जाएगा 9, फिर माइनस का साइन आएगा। 1 की टेबल में 6 6 टाइम आता है, 6 × 5 ये हो जाएगा 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं और प्लस वाली अलग, तो -30 और -8, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं तो -30 और -8 हो जाएंगे -38, और प्लस में हमारे पास क्या है, 9। फिर 38 माइनस, ये माइनस में ये प्लस में है, प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा, तो 38 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन लगेगा, तो ये हो जाएगा -29/6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे, -29/6 y². अब इसका थर्ड वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है थर्ड वाले में, 2xy और 3xy, 2xy और 3xy को जब प्लस करेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको 5xy। तो इन तीनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ये थोड़ा लेंदी है, आपको इसके अंदर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बहुत ही ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। 7th पार्ट, यहाँ पर हमें 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनका हमें एडिशन करना है, तो पहले इनको एडिशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा a - 2b - 2ab + 7, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, फिर एडिशन का साइन। सेकंड हमारी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 4ab - 3 + 2b + 5b², ये हो गई हमारी सेकंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लस फिर थर्ड है 7a + 6b - 3a² + 4b², थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर प्लस फिर लास्ट वाली लिख लेंगे -7b² - 6ab + 3a². अब इसको असेंबल कर देते हैं, लाइक और लाइक टर्म एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे अब अगर देखेंगे, सबसे पहला हमें क्या गिवन है, a, तो ये a हमने लिख लिया है। अब इस वाली टर्म में a यहाँ पे देखोगे तो है ही नहीं, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में a वाली टर्म है ही नहीं, इस वाले में a हमें गिवन है 7a, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस 7a,
फिर इस फोर्थ वाले में देखेंगे तो इसमें भी ए नहीं है। फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस टू बी, यह जगह माइनस टू बी। फिर सेकंड में देखो यहाँ पर क्या गिवन है, बी वाले में प्लस टू बी, तो इसको लिख लेंगे प्लस टू बी। फिर थर्ड वाले में बी में हमें गिवन है सिक्स बी, तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस सिक्स बी। यहाँ पर बी है ही नहीं, ये तो बी स्क्वायर है, तो बी वाली टर्म यहाँ पर है ही नहीं। फिर नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस टू ए बी, तो लिख लो इसको माइनस टू ए बी। सेकेंड वाली एक्सप्रेशन में गिवन है ए बी कितना, फोर ए बी, तो लिख लेंगे प्लस फोर ए बी। इसके अंदर हमें गिवन ही नहीं है ए बी वाली टर्म, इसके अंदर ए बी वाली टर्म कितनी है, माइनस सिक्स ए बी। इतना हो गया। अब आगे देखो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेवन, इसके अंदर नंबर में हमें क्या गिवन है, माइनस थ्री। इस वाली टर्म में नंबर गिवन ही नहीं है ऐसा, और इस वाली टर्म में भी नहीं गिवन है। तो फर्स्ट टर्म हो गई कंप्लीट। सेकंड टर्म में हमने फोर ए बी ले ही लिया है, थ्री बी ले लिया है, टू बी भी ले लिया है, बी स्क्वायर बचा है, तो इसको हम लिख लेंगे फाइव बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर कौन सा है, ये रहा, तो ये जगह प्लस फोर बी स्क्वायर, और इसके अंदर भी बी स्क्वायर कितना गिवन है, माइनस सेवन बी स्क्वायर। ये हो गया बी स्क्वायर वाली टर्म। अब और क्या बचा है, इसकी सारी टर्म्स हो गई, इसकी सारी टर्म्स हो गई, इसके अंदर ये हो गया, ये हो गया, बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बचा है, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे माइनस थ्री ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर वाली एक और टर्म ये रही, ये हो जाएगी प्लस थ्री ए स्क्वायर। सबको इस तरह से असेंबल कर दिया है, आपको इसको करते टाइम बहुत ध्यान रखना है कि कोई टर्म मिस नहीं हो जाए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस सेवन ए, सेवन ए और वन ए मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एट ए। फिर बी वाली टर्म सॉल्व करते हैं, प्लस वाले साथ कर लो, माइनस वाले साथ कर लो, तो सिक्स बी और टू बी कितना हो जाएगा, एट बी। एट बी में से जब हम टू बी माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा सिक्स बी, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस में आ रहा है हमारा। फिर नेक्स्ट ए बी वाली टर्म देखो, प्लस वाली एक साथ देख लेते हैं, माइनस वाली एक साथ, माइनस सिक्स और माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस एट। माइनस एट में से अगर हम फोर माइनस करेंगे तो माइनस फोर बच जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस फोर ए बी। अब ये टर्म देख लेते हैं, फिर है सेवन माइनस थ्री, सेवन माइनस थ्री कितना होता है, फोर, राइट डाउन प्लस फोर। फिर बी स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं, माइनस में हमें गिवन है माइनस सेवन, और प्लस में हमें गिवन है फाइव प्लस फोर, फाइव प्लस फोर हो जाएगा नाइन, देन नाइन माइनस सेवन इज टू, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस टू बी स्क्वायर। फिर लास्ट टर्म है हमारी माइनस थ्री ए स्क्वायर और प्लस थ्री ए स्क्वायर, प्लस माइनस है, सेम टर्म है, तो ये दोनों माइनस होगी तो ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो है एट ए प्लस सिक्स बी माइनस फोर ए बी प्लस फोर प्लस टू बी स्क्वायर। इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट एट जो है इस क्वेश्चन का, वो आप सेल्फ सॉल्व करोगे, इट्स योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फोर, सब्ट्रैक्ट। लास्ट क्वेश्चन में हमने एडिशन किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्शन करना है इन गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो फर्स्ट हमें गिवन है 9ab फ्रॉम 15ab, मतलब हमें 15ab में से 9ab को माइनस करना है। लिख लेंगे इसको सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के, तो ये होगा 15ab माइनस 9ab। जब 15ab में से हम 9ab को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 9 कितना होता है, 6, तो ये हो जाएगा 6ab। सेकंड पार्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab फ्रॉम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में से ये माइनस करना है, तो पहले इसको लिख लेंगे, जिसमें से माइनस करना होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो ये सेकंड वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख लिया हमने फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, फिर बीच में लगाएंगे माइनस का साइन, देन फर्स्ट वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस टू ए बी। अब इसकी लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लेते हैं। लाइक टर्म्स में अलग करेंगे तो सबसे पहला है हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। फिर सेकंड टर्म देखो, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। सेकंड टर्म क्या है हमारी बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या है माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में वापस माइनस का साइन। थर्ड टर्म है हमारी माइनस टू ए बी, और यहाँ पर क्या है प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में से जब ए माइनस स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा, टू ए बी में से टू ए बी माइनस करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। तो ये जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर क्या आएगा ज़ीरो। थर्ड पार्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी फ्रॉम नाइन ए बी स्क्वायर प्लस टेन ए स्क्वायर बी माइनस सिक्स ए स्क्वायर। तो हम माइनस करेंगे, लिख लेते हैं इसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। सबसे पहले ये वाली एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें से माइनस करना है। ये हो जाएगा नाइन ए बी स्क्वायर प्लस टेन ए स्क्वायर बी माइनस सिक्स ए स्क्वायर। इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस फाइव ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसको, लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है नाइन ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर फॉर्म में इधर क्या दिया हुआ है हमें फाइव ए बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे प्लस फाइव ए बी स्क्वायर। समझ आया, यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस होंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पर डायरेक्टली साइन सॉल्व करके लिख लिया है। सेकंड टर्म देखो, बीच में माइनस का साइन लगा देंगे हम। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म क्या है प्लस टेन ए स्क्वायर बी, और यहाँ पर क्या गिवन है हमें ए स्क्वायर बी में, हमें गिवन है टू ए स्क्वायर बी। यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये जगह माइनस ए स्क्वायर बी। फिर थर्ड देखो, हमें क्या गिवन है माइनस सिक्स ए स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस सिक्स ए स्क्वायर, और यहाँ पर कितना गिवन है हमें, यहाँ पर गिवन है माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो नाइन प्लस फाइव, नाइन प्लस फाइव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्टीन ए बी स्क्वायर, देन यहाँ पे है टेन ए स्क्वायर बी माइनस टू ए स्क्वायर बी। टेन माइनस टू करेंगे तो कितना आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो एट ए स्क्वायर बी। यहाँ पर हमें गिवन है सिक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। सिक्स प्लस वन करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो हम साइन भी किसका लगाएंगे माइनस का। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर्टीन ए बी स्क्वायर प्लस एट ए स्क्वायर बी माइनस सेवन ए स्क्वायर। आप चाहो तो इसको अरेंज भी कर सकते, रीअरेंज भी कर सकते हो फिर से, अगर रीअरेंज करेंगे तो भी इसका मीनिंग तो सेम ही रहेगा। इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो आप सेल्फ सॉल्व करोगे। अब अपन इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, जो हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस नाइन ए बी सी फ्रॉम एट बी स्क्वायर माइनस फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमें गिवन है, इसको पहले सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए सबसे पहले ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एट बी स्क्वायर माइनस फाइव ए स्क्वायर माइनस सेवन सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही होगा। फिर बीच में लगा देंगे माइनस का साइन, फिर ये वाली टर्म लिख लेंगे, तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस फाइव बी स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर प्लस नाइन
ए बी सी, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब क्या करोगे, ऐसे लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो लाइक टर्म है यहाँ पे वो क्या होगी, 8b² और यहाँ पे बी स्क्वायर में हमें क्या गिवन है, 5b², ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे -5b². फिर सेकंड देखो, सेकंड टर्म क्या है हमारी, -5a² ये -5a² है और यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, ए स्क्वायर में -a², तो लिख लो यहाँ पे -a². थर्ड देखो, थर्ड क्या है, -7c², इधर सी स्क्वायर में हमें क्या गिवन है, 4c², अब यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, उसको हम लिखेंगे 4c² प्लस में। अगली टर्म देखो, वो हमें गिवन है -2a² b² c², यहाँ पर तो ये वाली टर्म है ही नहीं, तो इसको एज इट इज़ यहीं पे एक बार लिख लेंगे। फिर इधर की तरफ देखेंगे तो ये वाली टर्म हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, बची कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, तो इसको लिख लो, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे -abc। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बी वाली टर्म हो गई, ये ए वाली टर्म हो गई, ये सी वाली, और ये दोनों तो अलग अलग ही है। तो 8b² में से 5b² माइनस करेंगे तो 8 - 5 कितना होता है, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3b². फिर ए स्क्वायर वाली टर्म देखो, यहाँ है -5a², यहाँ है -a², दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, तो हम लिख लेंगे -6a². फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ है -c6² और 4c², प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 हम जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3c², बड़ा नंबर किसका है, बड़ा नंबर नेगेटिव साइन का है, तो यहाँ पे साइन भी किसका लगेगा, माइनस का। अगली दोनों टर्म्स तो हमें कोई सॉल्व करनी नहीं क्योंकि ये सिंगल टर्म है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, -2a² b² c² -9abc। सो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप जब इसको सॉल्व करो तो साइन का ध्यान रखना। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप इसके होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।